नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। प्रदेश में भर्ती परीक्षा पेपर लीक एवं युवाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय को लेकर उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय पर युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती को लेकर कांग्रेस युवा बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास को घेरने की तैयारी में थे, जिसको लेकर पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ कांग्रेस को रोकने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। दरअसल कांग्रेसी युवाओं की मांग है कि योगी सरकार युवाओं के साथ न्याय करे और युवाओं को नौकरी देने का काम करे। ऐसे में हमारी संवाददाता कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद हैं और सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। आप भी देखिए हमारी टीम की एक खास रिपोर्ट। इसमें हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय पर, जहां पर उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से युवाओं का प्रदर्शन हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था, उसी को लेकर यहाँ पर योगी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे युवा आए हुए हैं, क्या कुछ कहना है उन युवाओं का, हम उन्हीं से जानते हैं। जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं योगी सरकार के खिलाफ की, अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसके खिलाफ क्या कुछ कहना है? भाजपा सरकार युवाओं की कमर तोड़ने का, वहां उन्हें अपाहिज बनाने का काम कर रही है। आए दिन भर्ती निकालती है, पर भर्ती कोई भी क्लियर नहीं होती। सिर्फ अपनी पार्टी फंड के लिए भर्ती निकाली जाती है, जिससे उनका चुनाव हो सके और पार्टी अपनी मजबूत हो सके। और युवाओं के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार होता है इस भाजपा सरकार में। अग्निपथ योजना, जिसमें युवाओं को एक तरह का बंदी बनाने का कार्य किया जा रहा है, उन्हें बंदी बना के ना तो उन्हें 50,000 रुपये एक डीडी बनाना पड़ता है, वो छोड़ते हैं उनको। इसी को लेकर आज हम यहाँ आए हैं, पूरा विधानसभा घेराव करेंगे युवा, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा युवा। पेपर लीक हुआ है, लेकिन योगी सरकार ने तो अपनी तरफ से बोल दिया कि 6 महीने के अंदर पेपर होगा, फिर से होगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप? पेपर हुआ ही क्यों लीक? और इससे पहले तो आरओ का हुआ था। जब आरओ का पेपर ही लीक हो चुका था, तो इनको पहले ही कमर कसनी थी, अपनी तैयारियां करनी थी, जिससे कि यूपी पुलिस का पेपर लीक नहीं होना था। और इनमें तो खुद इनकी मिली भगत है, इस वजह से इन्होंने जल्दी जल्दी किया, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। फिर 6 महीने का चुनाव का टाइम दे दिया इन्होंने, और जो युवा अब अकस्मात उनको कुछ हो गया या कुछ होना नहीं चाहिए, वो युवा क्या करेगा 6 महीने बाद? मिली भगत की बात करें, योगी सरकार की मिली भगत है, लेकिन योगी जी ने ये भी तो कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आप ये सोचिए और जनता को बताने का काम कीजिए अपने चैनल के माध्यम से, कि इतना बड़ा स्कैम जो पेपर लीक का हुआ है, उसमें योगी जी और योगी जी के अधिकारी किस तरह से मिले हुए थे, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक युवा सालों तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद में और इस तरह की चीजें होती हैं, तो आप सोचिए कि उसके ऊपर कितने युवा प्रभावित होते हैं इस चीज़ से। इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए और योगी जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कि उनको देखना चाहिए कि एक पेपर नहीं हुआ है, आरओ का पेपर लीक हुआ, फिर यूपीपी का पेपर लीक हुआ है। आने वाले समय में इस तरह से लीक होते रहेंगे तो फिर भविष्य क्या होगा बच्चों का? मैं ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से एनडीए की सरकार 2014 में जिन जिन बुनियादी सवालों के साथ सत्ता बनाई, आज उन बुनियादी सवालों पर लगातार आम जनमानस, समाज का हर एक वर्ग लगातार इसमें जो है भय व्याप्त है। जहां तक बात युवाओं की है, 2014 से पहले अग्निपथ योजना के माध्यम से 2 करोड़ अग्निवीर प्रतिवर्ष बनाने की, 2 करोड़ अग्निवीर सैनिक बनाने की प्रतिवर्ष एनडीए ने सरकार ने बात किया। आज लगभग 2 कार्यकाल समाप्त होने की ओर है, 10 साल जब समाप्त हो रहा है, 20 करोड़ अग्निवीरों को टार्च लेकर हिंदुस्तान का युवा ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं पर अग्निवीर नजर नहीं आ रहे हैं। यह युवाओं के साथ छलावा, किसानों के साथ छलावा, यह देश में महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार, लगातार भारतीय जनता पार्टी की निहंसक नीति से लगातार आम जनमानस में भय व्याप्त है। उस भय को समाप्त करने के लिए, समाज में सही भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इस देश के जननेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार देश की सरजमियों पर टहल टहल कर युवाओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनके दुख दर्द को जानने का काम कर रहे हैं। तो उत्तर कांग्रेस कार्यालय में जिस तरह देखा कि भारी संख्या में युवा कमेटी के यहाँ पर युवा आए हुए, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो पेपर लीक हुआ है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आगे से ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और उनका ये भी कहना है कि भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ गया है, योगी सरकार के जो है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भ्रष्टाचारियों जिस तरह से किया है ये इस पेपर लीक को, ऐसा ना किया जाए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, हम महादेव के भक्त हैं, हम कहीं किसी से डरने वाले नहीं। मुद्दे अत्याचार अन्याय जो आज नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको आज वो पूरी ताकत के साथ हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं।
छह महीने बाद क्यों नहीं, अभी कराओ। हम मांग करते हैं कि अभी कराई जाए। यह जो अत्याचार निकल रहा है, बच्चों का प्रदर्शन होगा, ये तत्काल एग्जाम कराएं, इसकी मांग हम करते हैं। आज हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं और इस वक्त आप देख रहे हो कि बैरिकेडिंग लग रही है और पुलिस यहाँ पे आरएएफ की टीम और उत्तर प्रदेश की पुलिस, राजधानी लखनऊ की पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से आप देखे होंगे कि पहले कांग्रेस ने एक चेतावनी दिया था कि आज के दिन हम जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पुलिस परीक्षा भर्ती को लेके जो लीक हुआ था पेपर, कहीं ना कहीं उसको लेके युवाओं के तरफ से कि युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि उन युवाओं के साथ योगी सरकार ने न्याय तो देने की जो है पूरी कोशिश की है और उसमें जो दोषी है उस पर एसटीएफ छानबीन भी कर रहा है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस को जो यूथ दल है वो लगभग सैकड़ों के तादाद में अंदर है और वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, उसको लेकर यहाँ पर देखेंगे कि बैरिकेडिंग पे पूरी फुल तैयारी हो चुकी है और जिस तरह से पुलिस यहाँ पे पुलिस बल को तैनाती दिया गया है, पुलिस बल की यही है कि यहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे रस्सी पूरा बांधा हुआ है और रस्सी बांध के पूरी पुलिस के तरफ से पूरी तैयारी है। आरएएफ की टीम यहाँ पर देखेंगे कि आ चुकी है। और अगर बात करें कांग्रेस कार्यालय के अंदर, तो कांग्रेस कार्यालय के अंदर सैकड़ों के तादाद में युवा हैं जो कि घेराव करने के लिए जो है आ गए हैं। समय 12:30 बजे का समय दिया गया था, लगभग समय भी पूरा हो गया है और पुलिस और कांग्रेस के जो युद्ध दल हैं उनकी भी लगभग पूरी तैयारी है। और इसमें ऐसे में देखा जाएगा कि जो कांग्रेस के जो युद्ध दल हैं वो कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग के बाहर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और अब यहाँ पर जो युवा हैं वो देखेंगे कि मैं अंदर दिखाना चाहूँगा, वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर आने की जो है वो कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस की पूरी यहाँ पर तैनाती दे दी गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से वो उनकी कोशिश रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी कि क्या करते हैं। फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखेंगे आरआरएफ की टीम के साथ यहाँ पर। अब देखिए इस तरफ से भी युवा जो हैं वो आ रहे हैं, यूथ कांग्रेस के युवा आ रहे हैं, तो पुलिस की तैनाती और युवाओं का जो यहाँ पे आना, अब समय जो लगभग दिया गया था 12:30 बजे, 12:30 बजे समय पूरा हो गया। हम बात करेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोग घेराव करेंगे? आज हम लोग जो पेपर लीक हुआ है इसके खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और ये जो जितने भी विद्रोही काम का वो भाजपा सरकार कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे घेराव करेंगे। यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। और यहाँ पर पुलिस की जो है तैनाती है, लेकिन इनका कहना है साफ तौर से युवाओं का कि पुलिस भर्ती में जिस तरह से धांधली हुआ और बेरोजगारी को लेकर युवा आज सड़क पर उतरेंगे और मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए चेतावनी जो दिए थे कहीं ना कहीं उसको पूरा करने के लिए आज सड़कों पर यूथ कांग्रेस दिखाई दे रहा है। ऐसी तमाम खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी न्यूज। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।